सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है अगर इस धरती से पूरी मनुष्य जाति गायब हो जाए तो इस धरती का क्या होगा? आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर धरती के सभी इंसान खत्म हो जाएं तो धरती पर क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु कैसे जिंदा रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसानों के खत्म होते ही सबसे पहले पूरी धरती अंधकार में डूब जाएगी, क्योंकि धरती के ज्यादातर पावर स्टेशन ईंधन के जरिए चलते हैं और इन पावर स्टेशन की मरम्मत इंसानों द्वारा की जाती है। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो इन पावर स्टेशन की मरम्मत भी नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ विंडमिल फिर भी चलती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो भी काम करना बंद कर देंगी। इसके साथ ही सभी सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि इन डिवाइस को मरम्मत करने वाले इंसान इस दुनिया में नहीं होंगे। इसीलिए इंसानों के खत्म होने के बाद आने वाले 48 घंटों में पूरी धरती पर अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। इंसानों का बनाया हुआ मेट्रो सिस्टम कुछ ही दिन में पानी में डूब जाएगा, क्योंकि सुरंगों और मेट्रो को सूखा रखने वाले पंपों को इंसानों द्वारा रिपेयर किया जाता है, और अगर इंसान ही नहीं होंगे तो इनको ऑटोमेटिक तरीके से चालू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इंसानों के खत्म होने के कुछ हफ्तों बाद हमारे घरेलू जानवर भी भोजन न मिलने के कारण मरने लगेंगे, और जो घरेलू जानवर अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलेंगे वो बाहर के जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। धरती पर रहने वाले गाय, भेड़, बकरी सभी जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। कुछ महीनों बाद न्यूक्लियर धमाके होने लगेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा रखने के लिए वाटर सप्लाई बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन इंसानों के खत्म होने के कारण वो भी संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में समय के साथ साथ रिएक्शन होने लगेंगे, जिसके चलते आसपास के सभी जीव जंतु और पानी में रहने वाले ज्यादातर जीव मर जाएंगे। कुछ सालों के बाद आसमान से कुछ उल्कापिंड धरती पर आते हुए नजर आएंगे। असल में ये कोई उल्कापिंड या तारा नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई सैटेलाइट होंगी, जो एक के बाद एक आसमान से नीचे आते रहेंगे। आने वाले 25 साल के बाद इंसानों द्वारा किया गया प्रदूषण और रेडिएशन इस धरती से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लॉस वेगास, राजस्थान और इजिप्ट जैसे देश जो कि रेगिस्तान के ऊपर बने हुए हैं, धीरे धीरे ये सभी शहर अपने प्राकृतिक रूप में पहुंचते जाएंगे और आखिर में ये सभी शहर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। बाकी सारे देश झाड़ियों, पौधों और घास फूस से ढक जाएंगे। 300 सालों के बाद इंसानों द्वारा बनाए गए लंदन ब्रिज, एफिल टावर, बड़े बड़े पुल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जंग लगने और मरम्मत न होने की वजह से नीचे गिरने लगेंगे। ऐसी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के तबाह होने की वजह से जमा हुआ पानी फैलना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते समुद्री जीवन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। हजारों सालों के बाद इंसानों द्वारा बनाई गई बहुत ही कम चीजें धरती पर मौजूद रहेंगी, जैसे चीन की दीवार और पिरामिड्स, लेकिन 1,00,000 साल के बाद इन चीजों का भी विनाश हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक जैसी चीजें फिर भी धरती पर मौजूद रहेंगी, जिसे खत्म होने में 50,00,000 साल लग जाएंगे। 30 करोड़ साल बाद इंसानों और इंसानों द्वारा बनाई गई सभी चीजें खत्म होने के बाद धरती पर फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी और एक नई लाइफ साइकिल की शुरुआत होगी। ये कह पाना तो मुश्किल होगा कि क्या फिर से धरती पर इंसानों का जन्म होगा या फिर कोई दूसरी प्रजाति धरती पर आएगी। इसके बारे में कई वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर इंसानों के खत्म होने के बाद एलियन धरती पर कब्जा कर लेंगे।